नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही उपयोगी और कल्याणकारी औषधि जिसका नाम है अभ्यारिष्ट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये औषधि अभय है, यानी कि भय से रहित है। इस औषधि को किसी भी उम्र के लोग बिना किसी डर के ले सकते हैं। ये शिशुओं से लेकर के वृद्ध लोगों तक को बिना भय के दी जा सकती है। अभ्यारिष्ट एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक मिश्रण है जिसका उपयोग बवासीर, कब्ज, पेट फूलना, गैस और पेट की गड़बड़ी सहित असंख्य बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में इसे चिकित्सा के राजा के रूप में जाना जाता है। और ये जो अभ्यारिष्ट है, ये अभय जड़ी बूटियों का किण्वित तरल हर्बल फॉर्मुलेशन है। अष्टांग हृदय और भैषज रत्नावली के ग्रंथ इस अरिष्ठम को प्राचीन ऋषियों द्वारा पूर्व में तैयार की गई एक जादुई औषधि के रूप में दर्शाते हैं। पेट के रोगों के लिए ये औषधि वरदान है। पेट का शायद ही कोई ऐसा रोग हो जो अभ्यारिष्ट के द्वारा ठीक न किया जा सकता हो। जैसे कि यदि आपको अर्श यानी कि बवासीर, खूनी बवासीर, उदर रोग, पेट में फैलाव, जलोदर, विबंध, कब्ज इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन, मूत्रबंध, पेशाब करने में कठिनाई, मूत्रक्रच, पेशाब करने में दर्द, बूंद बूंद पेशाब का टपकना, भूख ना लगना, खाना खाने के बाद पेट में भारी भारी एहसास होना, पेट में गैस बनना, एनल फिशर आदि में बहुत बहुत गुणकारी है। अब बात करते हैं इसमें मिलाई जाने वाली औषधियों की। ये औषधियाँ इस तरफ लिखी हैं, पर हमेशा की तरह मैं आपकी सुविधा के लिए इसे यहाँ पर पढ़ रही हूँ। इसमें मिलाया जाता है बड़ी हरड़ का छिलका, मुनक्का, महुए के फूल, वायवडंग और जल। प्रक्षेप के लिए गुड़, छोटा गोखरू, निशोथ, धनिया, धाय का फूल, इंद्रायण की जड़, चव्य, सौंठ, दंती मूल और मोचरस, इन सब को मिलाकर के ये औषधि बनाई जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन औषधियों को आप चूर्ण के रूप में भी सेवन कर सकते हैं, तो इन औषधियों को अरिष्ट के रूप में ही क्यों बनाया गया। देखिए क्या होता है कि ये जो अरिष्ट है, आसव और अरिष्ट में बहुत कम फर्क होता है। दोनों का फॉर्मूला जो है वो लगभग लगभग सेम होता है। जिस तरह दूध के गुण अलग हैं और वहीं दूध से निर्मित दही के गुण अलग हैं, इसीलिए आयुर्वेद में आसव या अरिष्ट को रोगों की श्रेणी के हिसाब से बनाया गया। आप जो भी आसव या अरिष्ट देखते हैं, वह उनमें उनके गुणों में वृद्धि के लिए उसमें खमीर उठाया जाता है, अर्थात किण्वित किया जाता है। इसीलिए आसवारिष्ट में खमीर को उठाने के लिए धाय के पुष्प, बबूल, छाल व महुए के फूल डाले जाते हैं, जो इनको बिगड़ने से बचाते हैं, साथ ही इन्हें और ज़्यादा गुणकारी बना देते हैं। अभ्यारिष्ट भी अरिष्ट पद्धति के तहत बनाया जाता है। रोग और रोगी का बल, रोगी की अग्नि यानी कि उसकी पाचन शक्ति और कोष्ठ का विचार कर उचित मात्रा में इसका सेवन करने से बवासीर और कई प्रकार के उदर रोगों में फायदा होता है। अब बात करते हैं इसके रेचक गुण की, यानी कि पेट साफ करने के गुण की, जिसके लिए ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में है और जाना जाता है। ये गुण जो है रेचक, लैक्सेटिव का गुण अभ्यारिष्ट प्राप्त करता है। इसमें मौजूद बड़ी हरड़ के छिलके, निशोत, इंद्रायण की जड़ और दंती मूल से। इंद्रायण को साधारण शब्दों में जंगली कचरी कहा जाता है। अगर आप आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं तो आपने कभी ना कभी इंद्रायण की जड़ को देखा होगा। ये बड़ी आसानी से कहीं भी मिल जाती है। इसके गुण क्या हैं? ये तीव्र और एक असरदार विरेचक है। निशोत एक स्वस्थ विरेचक है, इसके बारे में मैंने आपको अपने पूर्व के वीडियो में बताया था। हरड़ के गुणों से आप सभी परिचित हैं। हरड़ जो है मनुष्य की दूसरी माता का दर्जा आयुर्वेद में से दिया गया। अब बात करते हैं इंद्रायण की जड़ की, जो एक जंगली पौधा है जो आसानी से किसी भी निर्जन स्थान पर उग आता है। ये मोस्टली हरियाणा, राजस्थान ऐसे जगहों पर ज़्यादा उगता है। छोटे तरबूज की तरह इसके फल होते हैं। इसकी जड़
तीव्र विरेचक होती है, यानी कि उसमें पेट को साफ करने का गुण जमाल घोटे की तरह होता है, लेकिन उतनी तीक्ष्णता नहीं होती है। लेकिन इसमें साथ में एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, अर्थात ये डायबिटीज़ को कम करने में सहायक होती है। तो यदि आप डायबिटीज़ की वजह से अभ्यारिष्ट को नहीं ले पाते हैं क्योंकि इसमें गुड़ डाला गया है, तो आप अगर केवल इंद्रायण की जड़ को निकाल कर सुखा कर साफ़ सुथरा करके उसे कूट पीस कर रख लेते हैं और उसका सेवन रात में गर्म पानी के साथ अपनी स्थिति के अनुसार आधा चम्मच या 1/4 चम्मच करते हैं और सुबह आपका पेट बिना किसी परेशानी के साफ हो जाता है। लेकिन इसमें एक ही रिस्क है कि ये बहुत ज़्यादा मरोड़ उठाती है पेट में, उसके बाद आपको उठना पड़ता है और मल त्याग के लिए जाना पड़ता है। साथ ही इंद्रायण की जड़ जो है वो शुगर को कम करने में बहुत बहुत मददगार है। साथ ही मुनक्का पेट के लिए बहुत अच्छी है, आप जानते हैं। गोखरू का काढ़ा, यहाँ पर गोखरू का काढ़ा जो है वो मूत्र संबंधी विकारों के लिए डाला गया, क्योंकि कब्ज और मूत्र इनके जो ये दोनों का संबंध जो है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे दाल चावल का संबंध। अगर आपके पेट में गैस भरी रहेगी, आपको बार बार मूत्र जाने की इच्छा होगी, आपका पेट भारी रहेगा, अपचन रहेगा, तो भी मूत्र क्रच की समस्या बनी रहती है। इसी कारण से अभ्यारिष्ट में गोखरू को मिलाया गया, क्योंकि गोखरू पथरी के लिए बहुत अच्छा है और मूत्र रोगों के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है। तो पूर्व में मैंने आपको बताया कि अभ्यारिष्ट मूत्र करते समय दर्द, रुक रुक कर पेशाब होना और पेशाब में जो कमी आती है उसमें बहुत लाभप्रद है। अभ्यारिष्ट ने अपना ये गुण गोखरू से ही प्राप्त किया है। तो अभ्यारिष्ट जो है वो कब्ज को पूरी तरह से ठीक नहीं करता। आपने ऐसी बातें सुनी होंगी कि कब्ज के लिए बहुत लाभकारी है, बिल्कुल है, 100% है, लेकिन ये तब है जब आपने स्नायुयुक्त किसी रेचक का चूर्ण बहुत लंबे समय से उपयोग न किया हो। अगर आप स्नायुयुक्त चूर्ण पर डिपेंडेंट हैं तो आपको बहुत धैर्य बांधना पड़ेगा अभ्यारिष्ट से अपना पेट साफ करने के लिए, क्योंकि देखिए जिन चूर्णों में स्नाय मिली होती है वो पेट की आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही उससे विरेचन के बाद आंतों में पुनः मल संचय होने लगता है और दूषित गैस उत्पन्न होती है, जिसके कारण पेट फूलना, पेट में गैस बनना, आधी पेट की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। परंतु अभ्यारिष्ट जो मल को बाहर निकालता है वो आंतों को कमज़ोर किए बिना, उनको बिना नुकसान के आपके पेट को साफ करता है, साथ ही आपको बार बार मल त्याग के लिए नहीं जाना पड़ता। इसके अलावा विशेषकर अर्श बावसीर यानी कि खूनी बावसीर के रोग में, पाइल्स के रोग में ये बहुत कारगर है। कैसे कारगर है? बावसीर एक ऐसी बीमारी है जो उठते बैठते आपको दर्द देती है। इस दर्द को शांत करने के लिए आप अर्श कुठार रस, अर्शोगनी वटी और कंकायन वटी के साथ अभ्यारिष्ट का सेवन करें, बहुत लाभ होता है। क्योंकि बावसीर में दस्त कब्ज हो जाती है, माने कि जब आप मल त्याग के लिए जोर लगाते हो तो उस स्थान पर जो मस्से होते हैं वो जोर लगाने से अधिक दर्द करते हैं और उस कब्जियत को ये शीघ्र दूर करता है, माने आसानी से बिना दर्द के आपका मल द्वार से बाहर आ जाता है। यदि बावसीर का आपको केवल संदेह मात्र है तो शुरुआती अवस्था में ही आप अभ्यारिष्ट का उपयोग शुरू कर दीजिए। इसके उपयोग करने से बावसीर आगे नहीं बढ़ पाएगी, वहीं पर वो रोग शांत हो जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि आपको मंदाग्नि यानी कि मंद अग्नि है, आपके पेट में पाचन अच्छा नहीं होता है, तो आप अभ्यारिष्ट को कुमारयासव के साथ मिलाकर लीजिए, बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर पेट खाना नहीं पचाएगा तो आप कितना भी बढ़िया से बढ़िया खाना खाएं, वह व्यर्थ है। इसके साथ ही ये फिशर में बहुत लाभदायक है। अब आप कहेंगे फिशर क्या होता है? बावसीर का बिगड़ा हुआ रूप आप इसे मान लीजिए, क्योंकि फिशर में गुदा के चारों ओर एक कट या दरार पैदा हो जाता है जो बहुत ही दर्दनाक होता है। गुदा मार्ग में खून भी आ सकता है और इसी कारण से मल त्याग कभी कभी डरावने सपने के समान हो जाता है और उसके लिए अभ्यारिष्ट एक प्रमाणिक औषधि के रूप में काम आता है। साथ ही मैं थोड़ा सा आपको फिशर फिस्टुला के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
देखिए, यदि आपको बवासीर है, खूनी बवासीर है, फिशर है, फिस्टुला है या गुदा मार्ग से जुड़ा हुआ कोई भी भयंकर रोग है, तो आप मक्खन निकली छाछ या जो शहरों में हम दही को जमा करके छाछ बनाते हैं पतली, आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए अपने आहार में। अपने आहार को जितना हो सके तरल रूप में लें, ताकि आपको पेट साफ करते हुए गुदा मार्ग पर जोर न लगाना पड़े। इसके अलावा एक बड़े टब में आप छाछ मिलाएं। किस में मिलाना है? पानी में। अगर आपने 1/4 टब को भरा है पानी से, तो आप उसमें कम से कम एक जग छाछ मिलाएं और उसके अंदर बैठ जाएं। अब आपको क्या करना है, एक गुदा स्नान करना है कि आपने जो छाछ और पानी को मिलाया है, आप उसे गुदा के द्वारा अंदर बाहर कीजिए। इससे आपको आपके मसों में बहुत आराम होगा, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, धीरे धीरे वो एक लुब्रिकेंट का काम करेगा। और कई बार ये चमत्कार भी होते देखा गया है कि इससे मसे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा रामबाण नुस्खा है, इसका असर मैंने स्वयं देखा है। साथ ही मल को आसानी से निकालने के लिए अभ्यारिष्ट का उपयोग ज़रूर करिए। अब मैं बात करूँगी सफ़ेद दाग यानी कि विटिलिगो की। ये अभ्यारिष्ट में, अगर आप विटिलिगो में अभ्यारिष्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके परिणाम बहुत संतोषजनक आते हैं। इसमें मौजूद अवयव शरीर के अंदर से विटिलिगो को क्योर करते हैं। साथ ही मरिच्यादि लेप जब आप लगाते हैं उन सफ़ेद दागों पर, तो बहुत फ़ायदा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको लेना कैसे है। देखिए, आयुर्वेद ये कहता है कि कोई भी रेचक पदार्थ आप शुरू करें, भले ही कोई चूर्ण हो या अभ्यारिष्ट अगर आप शुरू करें या कुछ भी शुरू करें, तो आप पहले आंतों को तर कर लें। आंतों को आपको तर कैसे करना है? आधा चम्मच गाय का घी या बादाम का तेल गर्म पानी से पहले लें। तो ये एक तरीका है अभ्यारिष्ट को लेने का। यदि आपको बवासीर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, तो आप पहले घी या बादाम का तेल इसी तरीके से लें। इसके बाद इसे कम से कम 10 मिनट बाद 15 ml, 3 बड़े चम्मच या 15 ml मान लीजिए, बराबर मात्रा में पानी मिलाकर लेना है। कोई भी आसव या अरिष्ट उसी उपयोग में नहीं लाया जाता जिस उपयोग में वो होता है, उसमें उसको पानी मिलाकर के उसका उपयोग करना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से लेते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। अब क्या है कि आपको इसको सुबह शाम लेना है। आप इसे 3 टाइम भी ले सकते हैं। आपको एक दिन में, अगर आपकी कब्ज बहुत सख्त है, अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइट मल त्याग है, तो आपको कम से कम इसकी 60 ml खुराक आप ले सकते हैं। लेकिन आपको अपनी प्रकृति के द्वारा उसे निर्धारित करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने पहले बताया, स्नायुयुक्त विरेचक लेते हैं, तो थोड़ा धैर्य रखिए और धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करिए। फाइबर युक्त खाना, फल, सब्जी, दूध और छाछ का उपयोग कीजिए, जिससे आपका पेट इसके द्वारा साफ हो जाएगा। इसके अलावा आप आंतों में मल त्याग के लिए प्रेशर बनाने के लिए रोज़ाना एक बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। खान पान के बारे में अगर बात करूँ पथ्य और अपथ्य की, तो सुपाच्य और सादा खाना खाइए शुरुआती दिनों में। अगर आप इसका सेवन 1 महीने करें तो बहुत अच्छा है। 15 दिन कम से कम सुपाच्य खाना, जो हल्का खाना हो, ज़्यादा भारी खाना ना खाएं, तो आपको इसका फ़ायदा जल्दी देखने के लिए मिलेगा। मन को प्रसन्न रखें, क्योंकि पेट जो है वो हमारे मन से जुड़ा है। अगर मन प्रसन्न होता है, तो पेट अपने आप साफ हो जाता है। साथ में आप अभ्यारिष्ट लेंगे, तो वो सोने पर सुहागा है। कफवात के लिए ये सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन यदि आपकी प्रकृति पित्त संबंधी है, आपको एसिडिटी होती है, आपको पित्त बनता है, तो आप इसको बहुत सावधानी से लें। अगर आपको लेना है, तो इसको कम मात्रा में लें, या 5 से या 10 ml लें, 15 ml ना लें। अगर आप इसे बच्चों को देना चाहते हैं, तो आप इसको छोटे बच्चों को 5 ml दें, 4 ml दें, उम्र के हिसाब से इसको बढ़ाते जाएं। सबसे इसकी बेस्ट जो डोज है वो 15 ml है। और ये गर्भवती स्त्रियों, स्तनपान कराने वाली स्त्रियों और डायबिटिक यानी कि मधुमेह के रोगियों के लिए इसका सेवन निषेध है। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइए। इसी जानकारी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, आपके कमेंट्स सुझाव के प्रतीक्षा में। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।